हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे रूबी एंड ऑफ वेरिएबल्स अरे एंड टाइप कास्टिंग इन 8086 असेंबली लैंग्वेज। बाइट वेरिएबल एंड अरे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए डीबी टाइप का 3, तो मेमोरी में हमारे पास 3 स्टोर होगा। और अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बी डिफाइन बाइट, इसमें -5 वैल्यू स्टोर की है, तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी एफ बी। अब एफ बी कैसे वैल्यू पड़ी होगी, -5 की बाइनरी कंप्यूट करने के लिए पहले हम 5 की बाइनरी कंप्यूट करेंगे, उसके बाद उसका 2's कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो हमें -5 की बाइनरी मिल जाएगी, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें हेक्सा में तो वो वैल्यू बनती है एफ बी। अगर हमने एक सब्जेक्ट की यहाँ पे अरे बनाई है, जिसमें मैंने यहाँ पे एक हार्ड कोड स्ट्रिंग जो है इनिशियलाइज की हुई है कोल, ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, सी की आस्की होती है 43, ओ की आस्की होती है 4F, ए की आस्की होती है 41, एल की आस्की होती है 4C, डॉलर की 24, तो ये मेमोरी में इस तरह आपके पास पड़ी होगी। अब ये मैंने यहाँ पे वर्टिकली शो किया हुआ, एक्चुअल में ये आपके पास हॉरिजेंटल होता है। अरे अगर आप एक डिक्लेयर करते हैं, उसको आप इनिशियलाइज करते हैं विद वैल्यूज, एक अरे बनाइए डीबी टाइप की जिसमें वैल्यूज इनिशियलाइज है 9, 8, -2, तो ये 9 आपके पास पहले पड़ा होगा, फिर 8 और फिर -2 की जो है यहाँ पे वैल्यू है एफ ई। अब हम देखते हैं ये हमारे पास जो हमने अभी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और अरे, ये हमारे इमुलेटर में कहाँ पे इस तरह हमने चेक कर सकते हैं वेरिएबल्स को, और ये हमारी मेमोरी में कैसे स्टोर है। तो ये मैं सारे यहाँ पे वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर कर दिए हैं डेटा सेगमेंट में। अगर आप हमने चेक करना हो ये हमारी मेमोरी में कैसे स्टोर है, तो आप चेक कर सकते हैं इमुलेट करके, इमुलेट, और यहाँ आपके पास वेरिएबल्स में आप जाएं, ये देखें ये सारे वो वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स में यहाँ पे आप देखें साइज जो है बाइट है बाय डिफॉल्ट। लाइक मैंने अब इस अरे को देखो तो इस अरे में 0, 9 स्टोर है, हालांकि मैंने यहाँ वैल्यूज 9, 8 और -2 स्टोर की हुई है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ से बाइट साइज इसका वर्ड पे कर दिया मैंने, तो वर्ड में मुझे अब सेकंड वैल्यू भी शो होने लगी है, क्योंकि अब मेरे पास पहले बाइट था तो 1 byte मुझे शो हो रहा था, यानी कि सिर्फ 9 शो हो रहा था। मैंने वर्ड किया, वर्ड जो है 2 byte ऑक्यूपाई करता है, तो मुझे 2 byte शो होने लग गए हैं 8 और 9। और अगर मुझे ये -2 भी शो करना है तो यहाँ पे आगे डिफाइन डबल वर्ड है जो कि 4 byte लेता है। तो आपके पास यहाँ पे देखें 0, 9, 0, 8 और ये एफ ई जो है आपके पास -2 की एग्जा वैल्यू, और इसके आगे यहाँ पे 0, 0। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू क्या स्टोर है इनमें। सब्जेक्ट का जो आपके पास वेरिएबल है, इसमें मैंने कोल जो है स्टोर किया हुआ है, तो ये बाइट में अभी, तो इसलिए मुझे सिर्फ सी की यहाँ पे आस्की शो हो रही है 43। और अगर मैं देखना चाहता हूँ ओ की भी, तो यहाँ पे मैं वर्ड में चेंज करूँगा तो 4F जो है ओ की है, 43 यहाँ पे सी की आस्की। अब ए और एल को भी अगर शो करना है तो यहाँ पे मैं डबल वर्ड में जाता हूँ, तो देखें 4C 41 4F 43, तो ये मेरे पास मेमोरी में इस तरह है। अब हमने यहाँ पे देखा था ये 4C 41 4F और 43 ये स्टोर था, लेकिन 24 नहीं हमें दिख रहा, क्योंकि अब ये क्या है, डबल वर्ड है, डबल वर्ड 4 byte होता है, तो ये 4 byte यहाँ एल तक आपको शो कर रहा है, डॉलर नहीं इसमें आ रहा। तो आप इसका मजीद जो है साइज इंक्रीज करें, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे 24 पड़ा हुआ, और आगे यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, तो ये आपके पास क्वाड वर्ड में चला गया। इस तरह आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बी की चेक करनी है, तो बी की आपके पास बाइट, तो ये एफ बी आ रही है। इस तरह हम चेक कर सकते हैं और इनको वेरिएबल्स को देख सकते हैं ये कैसे स्टोर है, और मेमोरी में इनकी वैल्यूज इस तरह स्टोर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड वेरिएबल। वर्ड का जो वेरिएबल है, मैंने अगर एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया डिफाइन वर्ड का 3, तो मेमोरी हमारी बाइट एड्रेसेबल होती है। ये आपके पास जो वर्ड है इसका 0, 3 इसके लो बाइट में स्टोर है, और हाई में इसके ए के या स्टोर है 0, 0। तो सबसे पहले आपके पास 0 स्टोर होगा, क्योंकि आपकी मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है, और फिर इसके हाई में 0, 0 होगा, यानी कि ए ऑफ 0 पे 3 स्टोर होगा, ए ऑफ 1 पे 0, 0 होगा।
इसी तरह अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बी डिफाइन वर्ड का माइनस फोर इसमें स्टोर करते हैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पे फोर की बाइनरी पता होनी चाहिए, फिर मैं फोर का टूस कम्प्लीमेंट कंप्यूट करूंगा तो मेरे पास माइनस फोर की बाइनरी आ जाएगी। वो माइनस फोर की जो बाइनरी आएगी उसको अगर मैं हेक्सा में कन्वर्ट करूँ तो वो बनता है एफ 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 सी। तो आपकी मेमोरी में ये बी जिसमें आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें वैल्यू पड़ी है माइनस फोर, उसमें आपके पास पहले लो बाइट स्टोर होगा यानी कि एफ सी, और फिर हाई बाइट एफ एफ। बी ऑफ जीरो पे एफ 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 सी स्टोर होगा, बी ऑफ वन पे एफ एफ। तो अब ये बाइनरी आप कैसे फाइंड की है, इसकी माइनस फोर की बाइनरी कैसे आप फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये मैंने फोर की बाइनरी लिखी है, ये फोर की बाइनरी मैंने रिप्रेजेंट की है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 8 बिट्स हैं, अपर 8 बिट्स हैं, ये लोअर 8 बिट्स हैं, तो ये 16 बिट्स हैं टोटल। और अगर मैंने माइनस फोर की बाइनरी फाइंड करनी हो तो मैंने फर्स्ट वन तक एज इट इज कॉपी किया, तो यहाँ आप फर्स्ट वन तक एज इट इज यहाँ पे देखें कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आगे टूज कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए इसका वंस कम्प्लीमेंट फाइंड कर ले। तो ये आपके पास एक शॉर्टकट मेथड है टूज कम्प्लीमेंट फाइंड करने का, इसका मैंने वंस कम्प्लीमेंट फाइंड किया, जीरो का वन आ गया, फिर वन जीरो का वन और सो ऑन, आपके पास ये सारे वंस आ गए। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ अब एग्जाम में तो ये बनता है एफ 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 और ये सी। तो इसलिए हमारी जो मेमोरी में इस तरह मैंने आपको शो किया था एफ सी एफ एफ। नेक्स्ट हमारे पास अगर एक वेरिएबल है सेक्शन का डिफाइन वर्ड का, इसमें मैंने वी फोर स्टोर किया हुआ, अब मैंने इसके एंड में डॉलर नहीं लगाया, तो क्या एक वैलिड ये स्ट्रिंग है या नहीं? ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, आप इस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप ये देख लें चेक करें इसे। अगर मैं डेटा सेगमेंट में ये डिक्लेयर करूं तो कोई एरर नहीं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सेक्शन का डिफाइन वर्ड, इसमें स्टोर्ड है v4, मैं इमुलेट करता हूँ देखें कोई एरर नहीं है। हाँ, अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं यूजिंग 09h सबरूटीन तो आपके पास क्या है उसके एंड पे फिर आपको डॉलर लाजमी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास एरर आएगा। अगर आप यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं डिस्प्ले, तो यहाँ पे आप देखें मूव आपने यूज किया LEADX सेक्शन, फिर आप यहाँ पे मूव EH09H और इंटरप्ट 21H करते हैं, फिर यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि उसे डॉलर साइन नहीं मिलेगा 09H सबरूटीन को। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें एरर आ रहा है। और अगर हम इसको 09H के थ्रू ना प्रिंट करवाएं, मैं इसको प्रिंट करवाऊँ मूव DL सेक्शन, यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ सेक्शन, यहाँ मैंने लिखा मूव AH02H और इंटरप्ट 21H, तो आपके पास यहाँ पे अभी रॉन्ग पैरामीटर्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये देखें सेक्शन का जो वेरिएबल है ये डिफाइन वर्ड का, और DL का जो है आपके पास यहाँ पे 8 बिट है, तो ये आपके पास साइज मिसमैच का एरर आ रहा है। और अगर मैं इसको कर दूँ DX और यहाँ पे इमुलेट करूँ तो रन करूँ तो आपके पास क्या है वी प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरह अगर आप आगे देखें ये फोर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 02H के थ्रू प्रिंट करवा सकता हूँ, इसमें मैं ऐड कर दूँ अगर वन, तो यहाँ पे हम इमुलेट करें ये आपके पास फोर प्रिंट हो गया, यानी कि हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। लेकिन अगर आप 09H के थ्रू प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास एरर आएगा क्योंकि उसे डॉलर साइन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया डिफाइन वर्ड का सी, जिसमें वैल्यू स्टोर है 1BFF, तो आपके पास पहले ये FF स्टोर होगा, उसके बाद 1B आपके पास स्टोर होगा क्योंकि आपकी मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है। तो सी ऑफ जीरो पे FF होगा, सी ऑफ वन पे 1B, उसके बाद अरे आपकी डिफाइन वर्ड की जिसमें वैल्यू स्टोर है 1234H 5566H। अब इसमें आपने टू वर्ड स्टोर किए हुए, हर जो वर्ड है इसमें आपके पास एक हाई बाइट है और एक लो बाइट है, हाई बाइट है और एक लो बाइट है, तो आपकी मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होती है। सबसे पहले ये जो वर्ड है फर्स्ट वर्ड है इसका जो लो बाइट है ये मेमोरी में स्टोर होगा, तो डी ऑफ जीरो पे 34 स्टोर हो गया, फिर आपके पास इसका जो हाई बाइट है वो स्टोर होगा तो डी ऑफ वन पे 12 होगा, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है इसके जो लो बाइट है 66 डी ऑफ टू पे ये स्टोर होगा, फिर आपके पास इसका जो हाई बाइट है ये स्टोर होगा डी ऑफ थ्री पे।
अब हमारे पास जो वर्ड का वेरिएबल है मैंने आपको बताया ये 2 बाइट लेता है आपकी मेमोरी में। नेक्स्ट हमारे पास है डबल वर्ड जो कि आपके पास 4 बाइट लेता है यानी कि 32 बिट्स के इक्वल है क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने यहाँ पे डबल वर्ड का, डिफाइंड डबल इसे कहते हैं। ये शुरू के हमने एक वीडियो में डिस्कस किए थे डेटा टाइप्स। इसमें एक वैल्यू स्टोर किया मैंने 1CC2BA30। अब आपके पास ये जो वैल्यू स्टोर की है ये 32 बिट्स के इक्वल है। अब ये आपकी मेमोरी में कैसे स्टोर होगा वैल्यू जो आपने वेरिएबल में स्टोर की है? अब देखें ये आपके पास क्या है, BA30 ये एक वर्ड है और 1CC2 ये एक वर्ड है। तो इस वर्ड में आपके पास जो लो बाइट है ये पहले स्टोर होगा 30K0 पे, BA जो है आपके पास K1 पे, देन आपके पास C2 जो है ये आपके पास लो बाइट है ये पहले स्टोर होगा और फिर इसका ये हाई बाइट स्टोर होगा। तो इस तरह आपके पास ये मेमोरी में स्टोर होगा और ये 4 बाइट ले रहा होगा। अगर हम -5 की बात करें, ये हमने क्यू वेरिएबल बनाया -5 का, तो इसकी ये बाइनरी ये आप पहले आप कंप्यूट करेंगे 5 की, उसको आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेके कंप्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी -5 की बाइनरी। फिर आप उसको कन्वर्ट करें हेक्सा में तो वो बनेगी आपके पास FF 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 और FB। लेट मी शो यू। अब मैंने यहाँ पे ये 5 की बाइनरी लिखी है सबसे पहले, और मैंने -5 की अगर बाइनरी मैंने फाइंड करनी है तो मैंने फर्स्ट वन तक एज इट इज कॉपी किया, फर्स्ट वन मुझे यहाँ पे फर्स्ट बिट पे मिल गया। 2's कॉम्प्लीमेंट में फाइंड करना है मैंने जो कि कन्वर्ट करेगा पॉजिटिव को नेगेटिव में, तो फर्स्ट वन एज इट इज कॉपी किया, ये 1 एज इट इज आ गया। उसके बाद यहाँ पे सब जो बिट्स का 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो आपके पास ये बाइंड्री आ गई। ये जो बाइंड्री आपके पास अब आई है ये -5 की है, तो आप इसको अगर कन्वर्ट करें हेक्सा में तो ये बनता है। इसलिए आपकी मेमोरी में ये स्टोर होगा इस तरह, एफ बी पहले स्टोर होगा क्योंकि आपकी मेमोरी जो है बाइट एड्रेसेबल है। ये आपके पास क्या है, लो एक वर्ड की ये वैल्यू है, फिर नेक्स्ट वर्ड की ये वैल्यू है। ये जो वर्ड की वैल्यू इसमें जो लो बाइट है वो एफ बी है, इसलिए आपके पास मेमोरी में पहले एफ बी स्टोर होगा, उसके बाद फिर ये आपके पास इसका हाई बाइट एफ एफ है ये स्टोर होगा, फिर आपके पास ये जो एफ एफ है ये स्टोर होगा क्यू ऑफ टू पे, नेक्स्ट आपके पास ये जो एफ एफ है ये आपके पास Q of 3 पे स्टोर होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जो है ये ओवरराइड करता है डिक्लेयर टाइप ऑफ एड्रेस एक्सप्रेशन, यानी कि अगर हमने ओवरराइड करनी हो टाइप तो हम ये काम कर सकते हैं PTR ऑपरेटर के थ्रू। सिंटैक्स क्या है इसका, हमने टाइप लिखनी है उसके बाद हमने PTR लिखना है और यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना है। अब ये आपके पास अप्लाई होती है वेरिएबल के नेम पे, तो हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे। टाइप हमारे पास क्या हो सकती है, बाइट हो सकती है, वर्ड हो सकती है, और यहाँ पे आपके पास बाइट और वर्ड के अलावा डबल वर्ड भी हो सकता है। उसके बाद PTR लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक डेटा सेगमेंट में एक वेरिएबल डिक्लेयर है m, डिफाइन वर्ड का जिसमें वैल्यू पड़ी है 1234H, और मैंने इसको अगर एक्सेस करना है कोड सेगमेंट में इस तरह मूव al और मैंने यहाँ लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स में m, तो ये एक इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि साइज जो है सेम नहीं है, al जो है 8 बिट का है, m जो है आपके पास 16 बिट का, तो ये इनवैलिड हो गया और यहाँ पे एरर आएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ इसकी वैल्यू मूव करना एक 8 बिट रजिस्टर में तो मुझे इसकी टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब टाइप कास्ट किस तरह कर सकते हैं, इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम टाइप कास्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ 8 बिट रजिस्टर में वैल्यू मूव, लेट्स सपोज al में, तो मूव al यहाँ पे मैंने किया और बाइट लिखा, तो देखें पहले लिखी टाइप लिखी आपने बाइट आ गया, उसके बाद आप लिखेंगे PTR, तो आपने यहाँ PTR लिखा, उसके बाद आपने वेरिएबल का नेम लिखना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा m ऑफ 0 पे। अब ये देखें ये जो आपके पास 1234H है ये आपकी मेमोरी में कैसे स्टोर होगा। लेट्स सपोज कि आपके पास m जो वेरिएबल पड़ा है एक ऑफसेट एड्रेस पे पड़ा हुआ है 1230H पे, जिस पे आपके पास वैल्यू पड़ी है ये 1234। अब आपकी मेमोरी में कैसे स्टोर है 1234, पहले आपके पास लो बाइट स्टोर होगा 34 m ऑफ 0 पे होगा, 12 जो है आपके पास m ऑफ 1 पे होगा।
अब मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ एक वर्ड वेरिएबल को, और मैं उसको स्टोर करना चाह रहा हूँ एक 8 बिट रजिस्टर में वैल्यू। तो यहाँ मैंने किया मूव एल, बाइट में मैंने कहा टाइपकास्ट करना है, पीटीआर लिखा, उसके बाद मैंने एम ऑफ जीरो, तो एम ऑफ जीरो पे आपके पास वैल्यू पड़ी थी 34, ये टाइपकास्ट हुई बाइट में और ये एल में जाके स्टोर हो गई। तो एल में वैल्यू क्या चले गई 34H। सिमिलरली अगर मैंने इसके जो हाई में पड़ा था 12, ये वैल्यू मैंने मूव करनी थी, और मैंने अगर एक 8 बिट रजिस्टर में वैल्यू मूव करनी है तो मैं इस तरह टाइप कास्ट करूंगा बाइट ETR एम ऑफ वन, तो एम ऑफ वन पे पड़ा हुआ 12, तो ये वैल्यू मैंने AH में मूव कर दी। अब दो चीज आपके पास सिमिलर है, ये आप देखें यहाँ पे, ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इसमें आपके पास डेस्टिनेशन जो है वो चेंज है, लेकिन आपके पास जो सोर्स है उसकी वैल्यू सेम आ रही है। वो कैसे? अगर आप ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं मूव BL बाइट PTRM, तो आपके पास जो लो पे इसके वैल्यू पड़ी होती है, यानी कि एम ऑफ जीरो पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू आपके पास BL रजिस्टर में मूव होगी, यानी कि 34 मूव होगा। और आपने यहाँ देखें ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी हुई है इसमें मैंने एम ऑफ जीरो लिखा है, तब भी मेरे पास जो फर्स्ट इसके एम ऑफ जीरो पे वैल्यू पड़ी है वो मूव हो रही है AL में। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस सिमिलर है, सिमिलर वैल्यू मूव कर रहे हैं, लेकिन इनका डेस्टिनेशन जो रजिस्टर है वो चेंज है। अब मैं आपको इमुलेटर 86 में इसको शो करता हूँ। ये देखिए मैंने एक डेटा सेगमेंट में एक वेरिएबल बनाया डिफाइंड वर्ड का, जिसमें वैल्यू स्टोर है 1234H, और मैं इसकी वैल्यू मूव कर रहा हूँ एक 8 बिट रजिस्टर में। इमुलेट किया, ये आपके पास एरर है, तो ऑपरेंड्स डू नॉट मैच 8 बिट एंड 16 बिट, यहाँ पे एरर। अब मैं इसको किस तरह रिजॉल्व कर सकता हूँ? या तो मैं इसकी वैल्यू एक 16 बिट रजिस्टर में मूव करूँ, तब आपके पास क्या ये वैलिड होगा और आपके पास कोई एरर नहीं है। अगर मैं चाह रहा हूँ किसी 8 बिट रजिस्टर में मूव करना, तो आपको पता है ये क्या आएगा, एरर आएगा। तो इसको हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, टाइप कास्ट करके। तो यहाँ मैंने टाइप कास्ट करना है, क्योंकि देखिए मेरी यहाँ डेस्टिनेशन जो है वो क्या है, बाइट टाइप का, यानी कि 8 बिट ले रहा है, तो यहाँ मैंने जो टाइप कास्ट करना है बाइट ETR। और मैं अगर चाह रहा हूँ कि एम ऑफ जीरो पे जो वैल्यू पड़ी है, एम ऑफ जीरो पे क्या पड़ी होगी 34, ये वैल्यू मूव करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे लेट्स सपोज AL में, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाइट PTR एम ऑफ जीरो। और अगर मैं चाह रहा हूँ ये हाई में जो इसके वैल्यू पड़ी है ये मूव हो जाए, तो मैं यहाँ करूंगा मूव AH बाइट PTR एम ऑफ वन। यहाँ पे आप देखें मूव जो आपने यहाँ पे किया, उसके बाद सिंगल स्टेप मैं करता हूँ, ये आपके पास किया सेगमेंट रजिस्टर सेट हो गए। अब ये वैल्यू आपके पास बाइट PTR में यानी कि टाइप कास्ट होगी, एम ऑफ जीरो पे जो वैल्यू पड़ी है वो है 34, ये वैल्यू कहाँ मूव होगी AL में। तो यहाँ देखें सिंगल स्टेप किया, ये 34 मूव हो गया AL में। नेक्स्ट हमारे पास हमने टाइप कास्ट किया बाइट PTR एम ऑफ वन पे पड़ा हुआ है 12, तो ये कन्वर्ट हो गया AH में स्टोर हो जाएगा। तो सिंगल स्टेप किया, देखें 1 2 3 4, ये आपके पास मूव हो गया, यानी कि हम एक 16 बिट के जो रजिस्टर में वैल्यू भी मूव कर सकते हैं, लेकिन हम अगर 8 बिट के रजिस्टर में वैल्यू मूव करना चाह रहे हैं एक 16 बिट वेरिएबल की, तो हम टाइप कास्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अब देखें यहाँ पे मूव अगर मैंने यहाँ किया BL, और मैं यहाँ लिखता हूँ बाइट PTR, और यहाँ मैंने लिखा M, तो मेरे पास जो AL में वैल्यू मूव हुई है वही BL में वैल्यू मूव हुई, क्योंकि आपके पास क्या है बाई डिफॉल्ट ये वैल्यू क्या मूव करेगा एम ऑफ जीरो पे जो पड़ी है। तो इमुलेट करें सिंगल स्टेप, AL में आपके पास 34 आ गया, AH में 12 आ गया, और BL में अब क्या आएगा 34 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक 4 बाइट का, अगर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है जो कि 32 बिट वेरिएबल है, ये मेमोरी में हमारे पास इस तरह स्टोर होता है, पहले आपके पास ये जो लो वर्ड है इसके जो लो बाइट है ये स्टोर होगा 10, फिर आपके पास 68 क्यू ऑफ वन, फिर 34 और फिर 12, तो इस तरह आपकी ये मेमोरी में स्टोर है। लेट्स सपोज इस वेरिएबल का जो ऑफसेट एड्रेस है क्यू का वो 1236 है, और अगर मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ कोड सेगमेंट में इस तरह, तो मूव BX वर्ड PTR मैंने किया क्यू ऑफ जीरो, तो लो वर्ड जो है आपके पास क्यू, तो लो वर्ड एक देखें आपके पास क्यू ऑफ जीरो पे क्या पड़ा हुआ है 10, तो मैं जब एक
कंप्लीट वर्ड मैंने यहाँ लिखा वर्ड पीटीआर, तो वर्ड में आपके पास आता है लो बाइट और एक हाई बाइट, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज बी एक्स में मूव होंगे, यानी कि बी एक्स में क्या आ जाएगा 6810H। अब मैं अगर मूव करता हूँ मूव डी एक्स वर्ड पी टी आर, देखिए मेरे पास ये जो वेरिएबल था ये 32 बिट का था, इसमें दो वर्ड स्टोर होते हैं, एक आपके पास इसका हाई वर्ड है और एक लो वर्ड है। ये मैंने लो वर्ड अगर मूव करना हो एक रजिस्टर में तो हम इस तरह कर सकते हैं, वर्ड पी टी आर मैंने किया, उसको टाइप कास्ट किया और मैंने यहाँ पे वो रजिस्टर का नाम लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पे जो रजिस्टर है वो क्या है 16 बिट का, तो मैंने यहाँ पे वर्ड पी टी आर किया, और अगर यहाँ पे 8 बिट का होता तो मैं बाइट पी टी आर करता। मूव डी एक्स किया वर्ड पी टी आर, अब देखें सेकेंड जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो आपके पास क्यू ऑफ टू पे स्टोर हुई हुई है, तो मैं अगर यहाँ पे क्यू ऑफ टू करूंगा और वर्ड पी टी आर लिखूंगा तो इस आपके पास ऑफसेट एड्रेस से लेके जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही जो कि पूरी वर्ड की बनती है जो कि 2 बाइट के इक्वल है, ये वैल्यू यहाँ से उठाएगा मेमोरी से, यानी कि 1234 ये वैल्यू क्या मूव हो जाएगी डी एक्स में, तो डी एक्स में क्या आ जाएगा 1234H। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया हाई वर्ड ऑफ क्यू मैंने डी एक्स में मूव कर दिया और लो वर्ड जो क्यू का वो बी एक्स रजिस्टर में मूव कर दिया। अब इसको हम इमुलेटर 86 में देखते हैं, ये हमारे पास एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया डिफाइंड डबल का और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर किया 1234 5810H जो कि आपके पास क्या है 4 बाइट के इक्वल है, ये 32 बिट्स का डेटा हमने स्टोर किया है इसमें, और मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो लो बाइट में वैल्यू पड़ी है 5810 ये मेरे पास AX रजिस्टर में आ जाए, तो मैं करूँगा मूव AX, यहाँ लिखूंगा वर्ड, इसको मैं टाइप कास्ट करूंगा वर्ड PTR और यहाँ लिखूंगा मैं क्यू ऑफ जीरो, तो क्यू ऑफ जीरो पे हमारे पास क्या पड़ा होगा 10, तो ये 10 और 58 यानी कि पूरी वर्ड की वैल्यू आपके पास AX रजिस्टर में मूव कर देगा, तो यहाँ पे AX में क्या आ जाएगा 5810H। देन मैं अगर नेक्स्ट वैल्यू ये जो आपके पास इसके हाई वर्ड में पड़ी है 1234 ये मैं मूव करना चाह रहा हूँ BX में, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ मूव BX वर्ड PTR और मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ क्यू। अब देखिए मैंने आपको अभी मेमोरी में शो किया तो नेक्स्ट वैल्यू क्या पड़ी होगी, जिस तरह आप देखें अगर हमने ये वैल्यू स्टोर की हुई थी 1234 6810 तो 10 आपके पास पड़ा हुआ था क्यू ऑफ जीरो में, देन 68 फिर आपके पास जो हाई वर्ड की वैल्यू वो स्टार्ट हो रही थी क्यू ऑफ जीरो 2 पे 34 और फिर 12, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब क्यू ऑफ 2 लिखेंगे, तो क्यू ऑफ 2 पे आपके पास जो है सेकंड जो आपके हाई वर्ड की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 34 पड़ा होगा और ये आपके पास 12, ये कंप्लीट जो वर्ड जो है आपके पास इसमें आ जाएगा बी एक्स में, तो 1234H आपके पास यहाँ मूव हो जाएगा बी एक्स में। लेट्स चेक दिस इमुलेट सिंगल स्टेप, अब ए एक्स में आपके पास 58 और इसके जो यहाँ पे देखें लो में वो 10 है, फिर मैंने सिंगल स्टेप किया तो मेरे पास 1234 ये मूव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस और इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमें ये टाइप कास्टिंग की भी जरूरत पड़ सकती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे।